फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में अगर आपके WhatsApp की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस ऐप के अंदर आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप को उंगली से आपको दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज आएगा, इसमें ऐप इन्फो लिखा हुआ है, ऐप इन्फो पर टैप करना है या फिर सर्कल में बना हुआ आई बटन आपको टैप करना है, तो आपका व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का पेज आएगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में भी आपको क्लियर कैच, सिर्फ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का ना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब प्ले स्टोर में आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड आपको सर्च बार दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये देखिए सर्च बार है, सर्च बार पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, ठीक है। तो आपका सामने व्हाट्सएप आता है। अब देखिए यहां पर, ये व्हाट्सएप के सामने अगर आपको इस तरीके का ये अपडेट का बटन अगर आपको दिखाई देता है ना, तो इसे अपडेट पे टैप करके अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका आपको बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।